अगर फार्मा में आपको रहना है तो मैं एक स्टॉक आपको यहाँ पे देना पसंद करूंगा, ग्लेनमार्क फार्मा का एक स्टॉक है। अगर आप ग्लेनमार्क को देखोगे तो एक डाउनसाइड मोमेंटम के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट उसमें देखने को मिल गया है, तो 530 के आसपास का कुछ प्राइस है। मैंने हालांकि क्लाइंट्स को 520 के आसपास रिकमेंड किया हुआ है, 534 पे चल रहा है अभी बराबर। अभी ये जो शेयर है हमें वो थोड़ा सा पार्ट में लेना है, जैसे कि अभी थोड़ा सा 30% ले लीजिए, 500 के आसपास अगर मिलता है तो और थोड़ा सा पोजीशन ऐड कर लीजिए। फाइनल जो मेरा स्टॉप लॉस होगा वो 440 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में जो मेरे टारगेट बन के आ रहे हैं वो जो टारगेट है मेरे वो तकरीबन 950 से लेके 1000 रुपए के मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी ये तो बहुत बहुत बड़े टारगेट्स आप दे रहे हैं, बहुत बड़ी उम्मीद आपने लगाई है ग्लेनमार्क से। जी हाँ सर, वो चलेगा तो आपके हाथ नहीं आएगा पक्का। मैं पहले भी फाउंडर इंडिया पे जब बैंक ऑफ बड़ौदा 45 रुपीज़ या फिर 47 रुपीज़ चल रहा था तभी मैंने 90 के टारगेट दिए थे और वहाँ से 90 भी जाके आ गया। देखो सभी का अभी सिचुएशन ऐसा है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे ट्रेडिंग करना है। अगर जैसे ही ये 550 अगर ये ब्रेक कर देता है तो और इसमें हमें तेज बाइंग साइड का मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है, तो बने रहिए। ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को चार्ट के ऊपर। बहुत शुक्रिया, ये तो बहुत अच्छी कॉल आपने दी है, और खासकर उसी फार्मा सेक्टर से निकाल करके जिस पर हम चर्चा कर रहे थे।